गुड मॉर्निंग. अभी कल रात में शादी जो थी वो रात को 2-3 बजे जाके खत्म हुई, तो हम लोग सब जाके बस सो गए थे. और अभी इट्स 12 noon और मैं जा रही हूँ थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए. माधुरी अभी अपने घर पर है, तो मे बी आई एम गोइंग टू विजिट हर इन द आफ्टरनून. आई ट्राइड दिस फ्लेवर्ड लस्सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई लव्ड इट. टोटली रिकमेंड. Then we went to sweet shop. Madhu ke sasural jana tha kyunki hame, to wahan se humne kuch liya. Mithai is meant to be meethi, lekin Mumbai ki mithai kuch zyada hi meethi hai. Itni zyada meethi hai ki muh ajeeb sa ho gaya. Ab hon chipak rahe hain aur aisa lag raha hai na ab sugar ki goli leni padegi jaake. Aur ye aa gaye hum Madhu ke sasural mein. Look at her. Later in the evening, we thought ki chalo local market explore karte hain thoda sa. So we went to Hill Road, Bandra. Look how beautiful Mumbai looks at night. I mean, how beautiful. Please, we reached the market mein and I bought a few things. And you get very trendy clothes at very cheap rates here. Randomly, we asked our auto driver to draw a heart and he did. Then it was my turn, but oops. सिग्नल खुल गया. एंड लुक एट दिस शॉप. आई मीन आई लव द एस्थेटिक्स. आफ्टर एक्सप्लोरिंग मार्केट इट वॉज टाइम फॉर डिनर एंड वी चोज दिस पर्टिकुलर कैफे कॉल्ड ग्रैंडमास कैफे एंड आई टोटली रिकमेंड इट. द फूड एंड एम्बियंस एंड एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. गुड मॉर्निंग. अ न्यू डे इन मुंबई. बट आज हम मुंबई नहीं रुकने वाले हैं. आज हम जा रहे हैं इगतपुरी. दिस इज भाजी पाव. भाजी यहाँ पर पकौड़ों को कहते हैं. तो इन शॉर्ट ये पाव के बीच में पकौड़ा डालकर देते हैं. And this is bhaji pav. Madhuri aur main ab gaadi mein baith ke bada pav bana rahe hain. क्या डोंगराचे काली मैना? ये पूरा नाम इसी का है. डोंगराचे काली मैना काउन बगा बोल रहे हैं वो. काउन बगा देखो. अच्छा खा कर देखो. डोंगराचे काली मैना ये जामुन की तरह है बट ये कुछ और है. सो लीजिए पहुंच गए हम इगतपुरी एंड दिस इज द विला जो मधु और मनीष ने बुक किया है फॉर आफ्टर मैरिज पार्टी. सो लेट्स गो एंड सी चेक आउट द विला. वेल इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग. Time for lunch with this view. Everyone was tired, so they just had their lunch and slept. But I thought, why waste time sleeping while I can just go for a walk and explore this place? और यहाँ का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस time पे मुंबई में मानसून थोड़ा start हो चुका है.
गुड मॉर्निंग. आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बट इट्स टाइम टू लीव इगतपुरी. हाँ, लुक एट दिस व्यू. बट अभी बाकी सारे सोए हैं, सो आई वेंट फॉर अनदर क्विक वॉक. वी लेफ्ट द विला एट अराउंड 10 एंड देन वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, बट वी कुडंट डिसाइड व्हाट टू ईट, सो वी जस्ट हैड टी. बट बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बारिश एकदम ज़बरदस्त पड़ रही थी और लॉन्ग ड्राइव का तो इस टाइम पे मज़ा ही आ गया. At this time we were very hungry, so we halted at this food court. Later on we saw this pahad road se and it looked so beautiful that we decided let's go towards it. Like छोड़ो यार, मुंबई पहुंच जाएंगे बाद में, बट पहले ये पहाड़ देखने जाना है पास से. एंड वी लिटरली वेंट टूवर्ड्स इट. हमें कोई आइडिया नहीं था कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, सो वी आस्क्ड फ्यू पीपल. दिस प्लेस इज कॉल्ड खोरगांव और यहाँ से उस फोर्ट तक की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, बट वी आर वेरी लेट. इसके लिए लोकल पीपल आर सेइंग कि एटलीस्ट 2.5 hours लग जाएंगे ऊपर चढ़ते और आधी रात हो जाएगी नीचे आते, और अभी यहाँ से हमें 4 hours लगने वाले हैं मुंबई पहुंचने के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी क्विक, बट आई थिंक वी वॉन्ट बी एबल टू रीच अप देयर, सो वील गो जस्ट टिल द मिड वे समवेयर, हैव सम स्नैक्स एंड वील बी बैक देन. हमारे साथी जो थे दे लेफ्ट अस, उन्हें लग रहा है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, दे डोंट वांट टू वॉक, तो इट्स जस्ट अस टू. देखते हैं आधे घंटे तक कितना चल पाते हैं, बिकॉज वी हैव टू बी बैक हियर इन 1 hour. Try to like talk to this auntie, but she doesn't understand Hindi and I don't understand Maharashtra language. So, auntie, आपका नाम क्या है? आपका नाम? तुम्हारा नाम? माजा? हाँ. अंजनी. अंजनी. यार आंटी सब्जी के लिए यहाँ से पत्ते इकट्ठे कर रही हैं, इतना समझ आया, वो भी शायद. सब्जी ना, सब्जी बनाओगे? हाँ. रात का खाना बनाओगे इससे? We are back from halfway. क्योंकि वी थॉट इट इजंट वर्थ जस्ट गोइंग इन टू द जंगल एंड कमिंग बैक, क्योंकि हम ऊपर तो नहीं पहुंच पाएंगे, इट्स फार, और हमें मुंबई भी पहुंचना है. एंड वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू जूहू टुडे, तो अगर हम यहाँ चढ़ते हैं यहाँ से भी हमें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता, तो ना हम यहाँ का सही मज़ा ले पाते ना ही हम जूहू जा पाते. तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि विल गो बैक. और पहुंच गए हम मुंबई और वी क्विकली वेंट टू मधु ससुराल, क्योंकि हमारा सामान वहां पे पड़ा था. गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर चौपाटी. आई थॉट चलो चौपाटी पे जाएंगे, मस्त आराम से बैठेंगे, सुकून की सांस लेंगे, बट पेंजी की दसा पीपला ही पीपला, बिकॉज वी फॉरगॉट इट वॉज संडे. आई सॉ दीज किड्स मेकिंग कैसल, सैंड कैसल्स, एंड आई सो मच वॉन्टेड टू मेक, सो आई आस्क देम इफ आई कुड help them in making this and they agreed. So this is me making a sand castle.
बीच पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि संडे था और बहुत ज़्यादा लोग थे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए स्ट्रीट फूड खाने के लिए। और जो जो जगह हम जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू मधु एंड मनीष आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर स्ट्रीट फूड। पेट पूजा करने के बाद हमने थोड़ी देर साइड पे खड़े होकर मुंबई की बरसात का मजा लिया और फिर हम चल लिए अपने लास्ट स्पॉट की तरफ। लास्ट स्पॉट फॉर टुडे इज दिस शॉप, इट्स कॉल्ड परिचय। दिस इज हॉट चॉकलेट।